जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आ गई। सत श्री अकाल फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मौज अच्छे होंगे। आज का व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज आ रहा है मेरा आईफोन। आप सोच रहे होंगे कि मैंने कौन सा मॉडल कौन सा कलर मंगवाया है, तो आपको उसके लिए मेरा पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। जैसे जैसे मेरे पास आईफोन आएगा, मैं पूरा आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगी कौन सा कलर कौन सा मॉडल। ठीक है, तो अभी ना 9:30 बज चुके हैं, तो मेरे को ना अर्ली मॉर्निंग मतलब 2 बजे या 2:15 के करीब हम घर से निकलेंगे, क्योंकि ना पापा ना पंजाब से आ रहे हैं, तो उनको लेने जाना है। क्योंकि मैंने ना आईफोन ना न्यूयॉर्क से मंगाया है, तो ना हमारा ना 1 महीने से जाना नहीं हो रहा था क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से। तो पापा ना 2 दिन पहले ही गए हैं मेरा आईफोन लेने, तो उस वक्त ना मैं बना नहीं पाई थी वीडियो क्योंकि वो एकदम से हमें इमिडिएटली जाना पड़ा। तो कोई बात नहीं, तो मैंने सोचा अब आईफोन मेरा टा ही गया है तो आपको पूरी जर्नी दिखाऊंगी। तो 2:15 के करीब हमें निकलना है स्टेशन, मैं मम्मी, और जैसे कि आपको पता 6-7 किलोमीटर हमारे घर से स्टेशन दूर है, तो थोड़ा सा रास्ता वैसे ही, तो बड़े पापा भी हमें कंपनी करेंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे 2:15 के करीब। ये दोस्तों 1:30 बज चुका है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह का बज गया है 1:30, पापा 2 स्टेशन पीछे था, मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ मम्मी और बड़े पापा को बिठा के स्टेशन की, और 1:30 बज गया है, 2:15 बजे तक गाड़ी आ जाएगी, तो मैं चलती हूँ स्टेशन। फ्रेंड्स देखिए, 2 बजे के नज़ारे, इतनी हवा चल रही है ठंडी ठंडी। चलो चलो चलो, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। हमारी गाड़ी कितनी समझदार है, हमसे भी ज्यादा। ताऊ जी आ गए नींद में लहराते हुए। मुझे लग रहा है पापा को नींद आई हुई है, पता नहीं चल रहा कहाँ से खुल रहा है। नींद आई हुई है क्या? सपने में हो क्या? फ्रेंड स्टेशन में पहुंच चुके हैं, ट्रेन आ गई। वी आर ऑन टाइम। आगे निकल ये रे फ्रेंड्स, हमारा B3 में थी, आगे चला गया डिब्बा, पापा अपने आप आ जाएंगे उतर के। फ्रेंड्स देखो पापा आ रहे हैं। ये बेचारे जो लोग जिनके पास घर नहीं होता, कैसे स्टेशन के बाहर बिस्तर लगा के सो रहे हैं ठंड में। ये भी लाइफ कितनी दो होती है। हम लोगों के पास तो सब कुछ है, इनसे पूछो, इनके पास तो कुछ भी नहीं है। गॉड ब्लेस देम। फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ घर, पापा मम्मी सब आ चुके हैं घर, मैं आपसे मिलती हूँ सुबह और दिखाती हूँ अपना आईफोन। सत श्री अकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सबसे पहले आप सबको हैप्पी शिवरात्रि। लॉर्ड शिवा आपके सारे कार सवारे जो जो रुके हुए हैं। कल आपको पता है हम 2-2:30 बजे वापस आ गए थे घर पे, सोते सोते 4 बज गए और सुबह में 10:30 बजे उठी, नहा धो के पाठ पूजा करके आपसे मिलने आ गई। अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ पापा जो हमारे गाँव की मशहूर मिठाई बेसन की मिठाई, वो दिखाती हूँ, उसके बाद मैं अनबॉक्सिंग करूँगी आईफोन की।
ये वाली मिठाई के सामने सारी मिठाइयाँ फेल है। दिस इज़ नोन एज बेसन की मिठाई, प्योर मिठाई, आपको पता है गाँव में तो प्योर ही बनती है। तो ये बहुत यम्मी है, मैं खा के दिखाती हूँ आपको। आई नो आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, अगर आपको खानी है तो मेरे घर आ जाइए। ऑसम फ्रेंड्स, आज का ब्रेकफास्ट पोहा, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। फ्रेंड्स फाइनली अब मैं अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ आईफोन की, और मैं आपको इसके अंदर दिखाती हूँ कौन सा मॉडल है। टन 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 टन, एंड गेस कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से, बताइए। चलो मैं ही बता देती हूँ, ये मैंने करा है आईफोन 15 प्रो मैक्स। अब मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ अंदर से कौन सा कलर है। वैसे तो आपको दिख ही गया होगा, पता ही चल गया होगा, फिर भी चलो अनबॉक्सिंग करते हैं। This is my iPhone, आप देख सकते हैं ब्लैक। वाओ फ्रेंड्स, मैंने iPhone 15 Pro Max ब्लैक मंगाया है, क्योंकि ना जो मेरा अभी जिसमें मैं वीडियो बना रही हूँ वो है वाइट, तो मुझे वाइट भी यूज़ कर चुकी हूँ मैं, ब्लू भी चुकी हूँ, मेरे पास ब्लैक नहीं था, तो मैंने सोचा इस टाइम ब्लैक मंगवाते हैं। तो ये मेरा आईफोन है, इसके साथ मुझे क्या मिला है, ये एक डेटा केबल मिली है, तो ये मिलता है आईफोन 15 प्रो मैक्स के साथ। और मैं आपको बता देती हूँ ये मैंने मंगवाया है न्यूयॉर्क से, यूएस से, क्योंकि ना मेरे को ये था कि यूएस से थोड़ा सा सही प्राइस में मिल जाता है। मैंने इंडिया में चेक किया था, ये 1,49,000 समथिंग अराउंड था, तो मुझे ये यूएस से इंक्लूडिंग टैक्स 1,08,000 का पड़ा है। तो इसीलिए मेरे को ये एक महीने से ना मामा के घर में पड़ा हुआ था, जाना हो नहीं रहा था क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा था। तो एक महीने के इंतज़ार में शिवरात्रि वाले दिन लॉर्ड शिवा ने मुझे आईफोन गिफ्ट करा है। थैंक यू शिव जी, थैंक यू सो मच। इसको ऑन करके देखते हैं, लेट मी, वैसे तो मुझे इसका कलर भी अच्छा लग रहा है, ब्लैक टाइटेनियम है, इट्स लुक सो ब्यूटीफुल। अब एक बार ओपन होने दो। हेलो मोटो, यस, एक साल में मैंने दो फोन ले लिए। करने जा रही हूँ इस व्लॉग का एंड, आई होप आपको मेरा व्लॉग ज़रूर पसंद आएगा। कीप सपोर्टिंग मी एज अ वे यू गाइज आर सपोर्टिंग परमकोर एंटरटेनमेंट व्लॉग्स। Oh, shit.